तो ये देखो, हम लोग आ चुके हैं नकीला टॉप पे, जो कि है 15,547 फीट पे। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो नकीला टॉप का बोर्ड है। तो चलो यहाँ से नीचे की ओर। ये देखो यहाँ पे भी एक बोर्ड है नकीला। तो भाई साहब, ये जर्नी में बहुत सारे हाई पासेस हमने पास कर लिए। देखो रुक के फोटो खींचने का तो मन है, लेकिन कसम से बोलूँ ना, अभी की जो सिचुएशन है वो हिसाब से हमारा मन तो यही चल रहा है, हमारा यानी कि मेरा, जल्द से जल्द नीचे उतर के सरचू पार कर लूँ। सुप्रभात मित्रांनो, एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे 12 हमारा मुंबई लद्दाख राइड का, और अभी हम लोग है हानले में। जैसे कि 2 दिन से हम लोग यहाँ पे ही स्टे कर रहे, तो आज से हमारा रिटर्न जर्नी चालू होने वाला है। और आज का हमारा प्लान है, हम जाएंगे जिस्पा की ओर, जो कि है 370 किलोमीटर। तो बस अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज चुके, और अभी हम लोग करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट यहाँ का मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। प्रॉपर यहाँ का लोकल जो स्टाइल में रहता है ना, वैसे हमें यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। तो अभी बस चलते ब्रेकफास्ट करते, फिर करेंगे पैकिंग, बाइक पे सब लगेज माउंट करेंगे और निकलेंगे जिस्पा की ओर। तो फाइनली सुबह के 8 बजे हम लोग निकल चुके हैं जिस्पा के लिए। लेकिन जिस्पा जाने से पहले सबसे पहले हमें करना है टैंक फुल, क्योंकि जिस्पा का डिस्टेंस है यहाँ से 370 किलोमीटर। वैसे तो हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मिल रहा है पेट्रोल तो ले लेते। यहाँ पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कैसा मिल रहा है, 750 ml का जो बोतल रहता है अपना, जो अल्कोहल का बोतल आता है, वो 110 रुपये में मिल रहा है। तो बस यहाँ से अभी वो फुल करके ले लेंगे। इसके अलावा अपने पास 10 लीटर और स्पेयर में है फ्यूल, क्योंकि इसके बाद सीधा पेट्रोल पंप हमें मिलने वाला है तंडी में। तो जहाँ जहाँ पे मिल जाएगा पेट्रोल हम लोग ले लेंगे। वैसे यहाँ का पेट्रोल अच्छा मिला था हमें, महंगा है लेकिन पेट्रोल अच्छा था, मतलब कुछ गाड़ी में ऐसा इंडिकेशन वगैरह आया नहीं। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे। अगर कोई आना चाहता है तो ये बोर्ड याद रख, एंट्री गेट याद रखना, अंदर नहीं जाना है, एंट्री गेट से पहले ही ये राइट टर्न है। मतलब आप पेंगोंग से आ रहे हो तो ये राइट टर्न लेके अंदर चले जाना। और यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगाया है कि नहीं, ये देखो नोमादास होम स्टे, ये जो है ना नोमादास, यहाँ पे आप जाइएगा, अच्छा खाना मिलेगा और अच्छी सर्विस मिलेगी। सर्विस यानी कि आपको गर्म पानी वगैरह जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, और जो चाहिए वो बना के दे देंगे। और बार्गेनिंग कर लेना, जितना आप बार्गेनिंग कर सकते हो कर लेना, हमने भी कर लिया। यहाँ पे वैसे 1,000 और 1,200 रुपये बेड का चार्जेस है, हमने बार्गेनिंग कर लिया था। हमें कितने में मिला ये तो मैं नहीं बताऊँगा, बस आप अपने हिसाब से बार्गेन कर लो, जितने में आपको मिल जाए वो आपका नसीब, ठीक है। तो अभी फटाफट चलते हैं। तो देखो अभी जा रहा है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जैसे आप हानले गांव में आ जाओगे ना, यहाँ से आ जाना अंदर की ओर, तो जैसे ही ये गेस्ट हाउस चालू हो जाएंगे ना हानले के, तो ये देखो ये पे टी स्टॉल लिखा है। ये देखो यहाँ पे लिखा है टी स्टॉल, यहाँ पे फ्यूल मिलता है, लेकिन शॉप तो बंद है। बंद है, फ्यूल चाहिए था, पेट्रोल पेट्रोल, हाँ बंद है ना, लेकिन ठीक है। तो निकल के हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, और 1 घंटे में हमने लगभग 30 से लेके 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। एग्जैक्टली आप रोड देख सकते हो कितना प्यारा है और खूबसूरत है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट रोड है। लेकिन क्या है ना, देखो पहले हम लोग क्या करते, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तीनों एक साथ चलते जाओ। अभी क्या हुआ था ना, उत्तम भाई पीछे ही रुक गए थे,
तो इनके लिए हमें रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू कुछ है नहीं, तो इसलिए तीनों साथ में चल रहे, एक दूसरे को मिरर में देखते हुए चल रहे। अगर पीछे वाला रुक गया तो हम लोग भी रुक जाते और साथ में जाते। वैसे तो यहाँ से लोमा है 16 किलोमीटर, और फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे हम, कहाँ हम लोग प्रस्थान करेंगे, हिमाचल प्रदेश की ओर, जो कि है जिस्पा। तो यहाँ पे पहाड़ों का कलर देख लीजिए, पूरा रेड कलर आया, पूरा रेड कलर है। और रोड की कंडीशन देखो, ये सीधा जाता है लेह की ओर, और लेह है यहाँ से अप्रोक्स 192-195 किलोमीटर, और अभी 4 किलोमीटर बाद आएगा न्योमा। फिर हमें न्योमा से कहाँ जाना है वो तो अपने जीपीएस भाई को ही मालूम, हम तो बस फॉलो कर रहे। ये देखो भाई साहब वो पहाड़ों की शेड देखो, गोल्डन रेड, गजब। अभी हम लोग हैं माहे में, यहाँ पे चेक पोस्ट पे आपकी एंट्री हो जाएगी, और ये रोड जाएगा लेह की ओर, और ये रोड जाएगा मनाली के लिए। तो यहाँ से चलते हैं मनाली की ओर। ये ले लिया हमने मनाली के लिए लेफ्ट टर्न, और ये ब्रिज। अभी उन्होंने कहा कि इसके बाद आपका पांग में एक बार परमिट चेक हो जाएगा, तो देखते क्या। उन्होंने जैसे कहा कि अभी 12 किलोमीटर सीधे जाओ, फिर ले लो एक राइट टर्न, उसके बाद आ जाएगा पांग, वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, और एक लास्ट वाला परमिट वहाँ पे सबमिट किया जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे मनाली की ओर। ऐसा ऑफ रोड मिलता है ना तो अपना टाइम बढ़ते जाता है, और फिर रात को लेट होता है हमको पहुँचते पहुँचते। वैसे तो आज से हमारी रिटर्न जर्नी चालू हो गई है, हमें कहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना है नहीं। तो देखिए इतना काफ़ी टाइम से मैंने कुछ व्लॉग भी नहीं किया, क्योंकि क्या दिखाऊँ रोड आपको और बताऊँ क्या, ये ऐसा रोड है ये है। तो आज के बाद शायद से छोटे छोटे व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि आज सुबह हमने तय किया है ऑन द वे, मतलब जो रास्ते में जाते जाते कुछ दिखा तो रुकेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ख़ास कुछ एक्सप्लोर करने के लिए रोड छोड़ के किसी और जगह पे नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो अभी आज का 1 तारीख है, 1 जून, और 5 जून मतलब 6 जून को हमें फिर से हमारे काम पे मतलब ऑफिस में भी ज्वाइन होना है मुझे और जयेश को। तो वो हिसाब से हमारा कल रात कैलकुलेशन हो रहा था, पर अगर देखा जाए तो आज तो नहीं हम लोग खींच पाएंगे ज़्यादा, लेकिन 2-3 दिन है, तो कोशिश हमारी यही होने वाली है कि जो हम संडे को पहुंचने वाले हैं वसई में, मतलब हमारे घर, वो हम पहुंचने तो हम वो कोशिश करेंगे कि शायद हम सैटरडे को हो सके तो पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो एक बार आपको स्ट्रेट टू स्ट्रेट हाईवे मिल गया ना तो डिस्टेंस हम लोग ईजिली कवर कर लेते, क्योंकि हमारे ब्रेक्स बहुत कम होते। अभी देखो पहले दिन हम लोग 6 बजे तो वसई में ही थे, 6 बजे वसई में थे और 8 बजे हम लोग उदयपुर टच कर लिया, तो 720-730 किलोमीटर उसमें हमारे कितने ब्रेक हुए, 3 ब्रेक हुए। तो 3 ब्रेक का पकड़ लो एक अंदाज़े, मतलब सुबह का जो ब्रेक हुआ था वो प्रॉपर 1-1.5 घंटे का हुआ था, फिर दोपहर में तो हम लोग ने खाना स्किप ही की, मतलब लंच तो स्किप ही कर दिया, सीधा डिनर कर लिया रात को। तो लगा लो 1-2.5 घंटे का ब्रेक हमारा पूरा जन दिन में हुआ था। तो वो हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारा हो जाएगा, होना तो चाहिए वैसे। तो हम लोगों ने आज का लोकेशन जिस्पा तो तय कर लिया है, अगर जिस्पा शाम होने से पहले हम लोग टच कर लेते तो और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, शायद तंडी भी क्रॉस कर लेंगे हम लोग। पर ये रोड ऐसा रहेगा तो ऐसा तो नहीं रहेगा आगे, ये तो कुछ किलोमीटर का ही पैच रहेगा। तो कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की, क्योंकि अभी ये तो हमारी रिटर्न जर्नी चालू हो चुकी है। ये देखो ये रोड से हम लोग आए माहे से, और ये रोड पकड़ लिया हम लोगों ने मनाली के लिए। तो अभी रोड अच्छा मिलेगा तो देखते हैं हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। वो मनाली है 339
3:39 और टाइम हो चुका है 2। अगर ऐसा ही रोड रहेगा तो हम मनाली भी टच कर लेंगे, बस रोड ऐसा ही होना चाहिए। तो सामने देख लीजिए दोस्तों, अभी ये रोड है हमारा सरचू जाने के लिए, और सरचू ये यहाँ से 68 किलोमीटर, और पता नहीं यार बाइक बार बार बंद गिर रही है। एक्चुअली हवा भी बहुत ठंड है, इस वजह से भी हो सकता है। वो तेरी ब्रिज की कंडीशन देखो, बस यहाँ पे बंद ना गिरे, अच्छे से चढ़ के उतर जाए, क्योंकि ऐसे 2-3 अभी घाट है। जस्ट अभी हम लोगों ने मैप देखा था ना, ऑफलाइन मैप, उसमें देखा तो ऐसे ये शार्प टर्न वाले 2-3 घाट है ये देखो, और यहाँ से तो ट्रक भी आ रहे हैं भाई, बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा यहाँ पे अभी मुझे। जो देखो ट्रक वाला तो रुकने के लिए भी तैयार नहीं है, जैसे कि आप देख ही रहे होगे सामने का नजारा, देखो देख के ही डर लग रहा है। मतलब पिछले 8-10 दिनों से जो पहाड़ों में ट्रैवल कर रहा हूं ना, उस मायने में ये सबसे डेंजरस मुझे अभी लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो रोड कितने नैरो है, और साइड में इधर कुछ बैरिकेड भी नहीं है, और टर्निंग पे ये देखो यहाँ पे तो ट्रक भी आते ना तो बहुत डर लगता है। तो तेरी बाइक का और ये देखो यहाँ ऐसे टर्निंग में रुकना पड़ता है, एक गाड़ी पास हो जाएगी तभी दूसरी गाड़ी निकलेगी। सुबह मुझे लगा था हम लोग हानले से निकल गए, अभी ठंड इतना लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज़्यादा ठंड है। और रोड देखो, रोड के बारे में कुछ ना बोलूँ तो ही सही है, क्योंकि बहुत मतलब बहुत रिस्की रोड है ये। तो ये देख लो भाई साहब, बराबर रास्तों के बीचों बीच में ट्रक फेल हो गया। हम आ चुके हैं ला चुंगला पास पे, और अल्टीट्यूड है 16,616। तो भाई अभी तो रुकने का मन है नहीं, क्योंकि बहुत सारे पास कर लिए, और कसम से बोलूँ ना, अभी सबसे पहले कब तो अभी ऐसा हो रहा है, कब मैं यार पहाड़ों से बाहर निकल रहा हूँ ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे, क्योंकि बस हो गया यार, पहाड़ पहाड़ देख के परेशान हो गया। ये लोग जो मनाली से जा रहे हैं ना, वो स्टार्टिंग में ही पूरा एडवेंचर करके जा रहे हैं, क्योंकि अभी लद्दाख में एडवेंचर तो रहा नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ वाटर क्रॉसिंग था ना, वहाँ पर अभी वो सब नाला बांध दिया है, तो मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वाटर क्रॉसिंग कहाँ थी और कहाँ नहीं थी। ये देखो, ये देखो वहाँ वहाँ जाना है, वहाँ उतरना है अभी। और ये देखो चारों तरफ बस माउंटेन ही माउंटेन, और बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखो यहाँ से रोड, वैसे तो मैं जाता नहीं हूँ, पर क्या है रोड देखो, अभी यही रोड हमें उतरना है नीचे की ओर। तो चलो, ये देखो टर्न, पहला टर्न सक्सेसफुल। तो
तो अभी तो हम लोग नीचे आ चुके और यहाँ पे बोर्ड लिखा था टोटल 21 लूप्स, मतलब ऐसे जिगजैग वाले टर्न 21 थे, टोटल 21 टर्न थे। और यहाँ से सरचू है 22 किलोमीटर, तो टाइम तो हुआ अभी 6:30 और 22 किलोमीटर कवर करने के लिए और जाएगा 30 से 45 मिनट। अगर रोड सही रहेगा तो हम लोग इजीली कर लेंगे।